दोस्तों स्वागत है आप अपने चैनल नागपुर में। आप देख रहे हैं नागपुर के जॉब्स, और नागपुर में बहुत सारे जॉब्स है। इस बार आप बैंक में जा भाई, NSBB आपने देखा होगा, और बहुत सारे जॉब जो बुट्टीपुरी में MIDC में भी जॉब्स निकले हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि आप जरूर ये नागपुर का वीडियो देखें। नागपुर अभी बदल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स की वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके बारे में हम आपको हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इतने ऐसे जॉब्स के लिए हमको लाइक और सब्सक्रिप्शन करना ना भूले। दोस्तों आपने वैद्य इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा। वैद्य इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट आई है ITI फिटर वेल्डर मैकेनिकल के लिए। जिनका डिप्लोमा BE मैकेनिकल है वो अप्लाई कर सकते हैं, भले आपको एक्सपीरियंस रहे नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले। 5 पोस्ट है, अकाउंट के लिए 2 पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए आपको GST रिटर्न फाइलिंग आना चाहिए, TDS और ITR फाइलिंग। अगर आपको एक्सपीरियंस है आप अकाउंटेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोर मैनेजर चाहिए, एक ही पोस्ट है मेल के लिए, जिसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रहा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या डायरेक्ट 22, 23, 24 मई 2023 को दोपहर में 12 से लेकर 3 बजे तक आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर कुछ दिक्कत है तो 9130010623 पे आप जरूर कॉल करें। HR@thindustries@gmail.com में भी आप उनको रिज्यूम भेज सकते हैं, एड्रेस आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों नेक्स्ट है प्रज्वल नागरी सहकारी पत्र संस्था नागपुर, और इसमें चाहिए क्लर्क। क्लरिकल के लिए 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन जरूरी है और आपको वसूली का अनुभव चाहिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 3 पोस्ट है, आपको अप्लाई करना है 27 मई के पहले, और अप्लाई आपको पोस्ट से करना है। बाय पोस्ट में आपको रिज्यूम और आपके डॉक्यूमेंट्स भेजना है। आपको एप्लीकेशन के साथ 200 का आपको DD बना के देना है, प्रज्वल नागरी सहकारी पत्र संस्था मर्यादित नागपुर के नाम से। और आपको एड्रेस रहेगा प्रज्वल नागरी सहकारी पत्र संस्था मर्यादित नागपुर, 04 दीवान लेआउट मानेवाड़ा बेसा रोड नागपुर 34। ये एड्रेस पे आप जो भी आप क्लरिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपको आपका रिज्यूमे भेजना है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एग्रोटेक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट, ये भी कल पेपर में आया था। रिक्वायरमेंट प्रकल्प अधिकारी 10 पोस्ट, सहायक अधीक्षक जिला कृषि दुग्ध नियंत्रक 10 पोस्ट, कुकुड़ सहकारी सेवक लेखापाल अकाउंटेंट 2 पोस्ट, चपरासी के लिए 5 पोस्ट, फिर प्रकल्प अधिकारी 10, पशु वैद्यकीय अधिकारी जिला कृषि तंत्र सहायक दुग्ध नियोजन कनिष्ठ लिपिक के लिए 5 पोस्ट है, डाटा इंप्रूवर के लिए 10 पोस्ट है, कृषि सेवक के लिए 100 पोस्ट है। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको www.NADII.in पे मिल जाएगी, बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों इसके बाद नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक है, काफ़ी बड़े बैंक है नागपुर एरिया की, और इन्होंने निकला है क्लरिकल के लिए रिक्वायरमेंट। क्लरिकल के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में, और कोई अप्लाई करना चाहेगा तो एप्लीकेशन के लिए पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे NSSBank.co.in ये वेबसाइट पे जाके। दोस्तों हम लोग आगे उनके वेबसाइट में, वेबसाइट है नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। ये देखिए जनरल कैरियर नोटिसेस है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट इन क्लरिकल पोस्ट, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे दिया है। दोस्तों टोटल 50 पोस्ट वेटिंग लिस्ट पे इन्होंने लिखा है 12 महीने के लिए, और इसमें ग्रेजुएट चाहिए, यूनिट भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसको 50% मार्क है, 45% SC ST कैंडिडेट के लिए। 28 साल से लेकर 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप SC ST के हैं, और आपको 7 जून 2023 को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है आपको 7 जून 2023 के। और एंट्रेंस एग्जाम की फीस है 700, 350 रुपये SST कैंडिडेट के लिए। नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर के नाम पे आपको DD बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट। एप्लीकेशन का एड्रेस ये रहेगा, यहाँ आपको भेजना है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 79 वर्धमान नगर नागपुर। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है किर्लोस्कर जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, और उसके लिए चाहिए इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज। सर्विस इंजीनियर्स के लिए BE डिप्लोमा वाले चाहिए, सेल्स इंजीनियर के लिए BE डिप्लोमा वाले चाहिए, और आपको मेल करना है आपका रिज्यूम nagpur@goelpower.in में। गोयल पावर इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है जो है शुभम टावर RPTS रोड अजनी स्क्वायर नागपुर में। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जॉब देखेंगे हम लोग विश्वास पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड MIDC बुट्टीपुरी में। यहाँ पे इंजीनियर चाहिए परचेस डिपार्टमेंट के लिए, जिनका ग्रेजुएट हुआ है BE और MBA किया है वो अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस साथ। इंजीनियर चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद कमर्शियल एग्जीक्यूटिव चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जिनका BCOM MCOM हुआ अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव HR डिपार्टमेंट ने BCOM MCOM MRPM या MBA HR किया है 5 साल का एक्सपीरियंस। ERP ऑपरेटर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और स्टोर फाइनेंस के लिए चाहिए, जिनको
ग्रेजुएट के साथ में अगर आपको ऑफिशियल 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन ERP में काम करना जरूरी है सॉफ्टवेयर पे, आपको रिज्यूम भेजना है kiran4363@gmail.com 7 दिन के अंदर। दोस्तों उसके बाद स्कूल है एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल, और उनको चाहिए अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट अकाउंट और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और सभी के लिए आपको अप्लाई करना है 7 दिन के अंदर PRO@aspireschools.in में। तो ऐसे ही जॉब के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।